बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र नेता और भाजपा के विधायक के पौत्र अजय सिंह ने सैकड़ों छात्रों के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष के साथ तिरंगा यात्रा की। इस तिरंगा यात्रा में देश के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों को याद किया गया। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर प्रोफेसर मोहसिन खान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा निकालने वालों पर कार्रवाई होगी, यात्रा में शामिल होने वाले सभी छात्रों पर कार्रवाई होगी, ये प्रॉक्टर का कहना है। आमतौर पर प्रॉक्टर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो छात्रों में अनुशासन बनाए रखें, उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। उन्होंने कहा है कि जिसने भी ये तिरंगा यात्रा निकाली है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है। परमिशन, इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे लोकतंत्र का खनन कर रहे हैं, यानी कि आप जो है एक राष्ट्रवाद के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना है अगर तिरंगा यात्रा को परमिशन नहीं देना, क्योंकि राष्ट्र की भावना है, तिरंगा की यात्रा निकालना एक राष्ट्र की भावना है और राष्ट्र की भावना के साथ इस्तेमाल करने का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं बनता है। जनवरी आने वाली यानी गणतंत्र दिवस इस देश का, राष्ट्रभक्तों ने मन में राष्ट्र भावना की उमंग लिए हुए राष्ट्रभक्ति के राष्ट्रबंधन की जय घोष के साथ में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हमारे स्वतंत्र सेनानी और महानुभाव जेलों में गए, लड़ाई लड़ी, खून बहा, उसके बाद कहीं जाके आज हम इस तरह का भारत देख पा रहे हैं, तो उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को, उन्हीं फौजियों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है और हम इसके जरिए उनको नमन करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता हैं मुकेश। अजय सिंह के नाम की एप्लीकेशन थी और इसलिए उन्हें मना कर दिया गया था कि हम कोई भी परमिशन नहीं दे सकते किसी भी किस्म की, एडमिनिस्ट्रेशन का ये डिसीजन है। जिन भी लड़कों ने आज तक बगैर परमिशन के प्रोसेशन निकाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है एज पर यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशन। मुकेश ये बताइए कि छात्रों ने कहां पर ये तिरंगा यात्रा रैली निकाली और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या कहा गया है? जी मैं बता दूं, जिस तरह से ये 70वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में से निकाली गई थी, जो इंजीनियरिंग फैकल्टी है वहां से बाबे सैयद गेट तक। जब इस यात्रा को निकाला जा रहा था तो इंतजामिया द्वारा इनको रोका गया और ये कहा गया कि आपको परमिशन नहीं दी गई है। उसके बावजूद उन्होंने जब ये यात्रा को पूरी तरह से निकाला और नारेबाजी की, भारत माता की जयकारे लगाए गए। इस संबंध में जब छात्रों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम जो इसमें एचआरटी से शिकायत करेंगे, वही इंतजामिया का कहना है कि जिस तरह से इन्होंने एएमयू कैंपस में बिना परमिशन के यात्रा निकाली है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी अब तिरंगा यात्रा के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ने लगी क्या मुकेश? जी जिस तरह से पिछली बार जो कई बार सामने आई है तस्वीरें कि भारत की आजादी की नारे लगे, कभी उसके लिए कोई आजादी जब नारे लगेगा उसके लिए कभी भी कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिस तरह की जैसे कि तिरंगा यात्रा जो गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली जा रही है उसके लिए परमिशन की जरूरत पड़ रही है। फिर भी एएमयू ये कह रहा है कि जब क्लासेस चल रही होती हैं, यानी भारत देश में ही तिरंगा यात्रा निकालने के लिए आपको अब परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके पहले आपने देखा कि किस तरह से कासगंज में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए परमिशन लेनी पड़ी थी, जालौन से।